आज से बिहार में एक और जनता दरबार लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाद अब आरजेडी जनता दरबार लगाने की तैयारी में है। दरअसल आरजेडी का एक मकसद भी है कि वो जन सरोकार से जुड़ी समस्या को तुरंत समाधान करे। आरजेडी प्रवक्ता की माने तो सरकार में शामिल आरजेडी कोटे के मंत्री दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लोगों की फरियाद सुनेंगे। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर यानी आज से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के तहत पहले दिन राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता शामिल होंगे। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी अपने अपने विभाग से जुड़ी जन सरोकार की समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगे। साथ ही अफसरों को उसे दूर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देंगे। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल अन्य मंत्रियों के सुनवाई कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार नहीं हुआ है। बता दें, इससे पहले जदयू के मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब उनके भी पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोटे के मंत्री सहयोग कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन सरकार से हटने के बाद बीजेपी नेता प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को जन कल्याण संवाद के जरिए लोगों की समस्याएं सुनते हैं और निराकरण करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद हमने भी जनता दरबार लगाना शुरू किया था। अब आरजेडी ने सत्ता में आने पर ये कदम उठाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।